हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, कल जो है NDA सेकंड का जो एग्ज़ाम था, तो आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है बेस्ट गया है और बेस्ट ही गया होगा। तो दोस्तों, देखते हैं इसकी आंसर की जो क्वेश्चन नंबर है अपने पास। फर्स्ट तो ये कहता है कि देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल्स कैन हाउ मेनी वे कैन बी टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है अपने पास वो है डी। तो मैं यहाँ आपको जो है आंसर बताऊंगा, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन की वीडियोस हैं मैं आप दूसरे जो है अपलोड करूंगा, उसके अंदर आपको मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पहले आप आंसर की मैच कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर की बताने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो आंसर है डी। कईयों का सेट अलग होगा लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी में सेम ही होते हैं, बस आगे पीछे लिखे होते हैं। तो आप यहाँ से मैच करके ये भी लिख देख सकते हो कि आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, कौन सा क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से इसको टिक कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर था डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 27 और इसका जो बेस है वो 9 है प्लस मेन लॉग 32 इसका जो बेस है वो क्या है 8। इसकी जो वैल्यू है अपने पास इसने पूछी है कि क्या होगी। तो बी का जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का वो है बी। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा अपने पास बी आएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हाट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू। ये प्रॉपर्टी है ए बी इनवर्स की, इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ये कहता है ए इंटू बी का जो इनवर्स होता है वो बी इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, व्हाट ये कहता है कि व्हाट शुड बी ए वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द मैट्रिक्स दिस डज नॉट हैव एन इनवर्स। ये कहता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी कि इस मैट्रिक्स का वो इनवर्स ही एग्जिस्ट ना करे। तो फ्रेंड्स देखो, इनवर्स का वो एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट जब मैट्रिक्स क्या हो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक बार देखो 16 पुट करके देख लो, एक बार -16 पुट करके देख लो, एक बार 8 पुट करके देख लो, एक बार -8। अगर आपका इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो उसको वैसे भी कर सकते हो। दूसरा प्लस में ये भी आप इसको क्या करो इक्वल टू जीरो पुट करके देख लो, इसका जो डिटरमिनेंट है वो उसको इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हो, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो है बी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, तो इसने बताना है कि या क्या होगी, ये इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन होगी या क्या होगी। तो यहाँ जो है इसका आंसर जो है आपका है बी, बी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दे आर कोलिनियर, दे लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस रूट थ्री, दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड नाउन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है आंसर इज सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एट, ये कहता है इफ यू एंड वी डब्ल्यू आल पॉजिटिव द पी एथ एंड केवर्टन ऑफ जी पी डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को जो है वो डाउट है, आई थिंक इसका आंसर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तो आप जो है इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, मेरे को इसमें मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ। तो लेकिन नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ये कहता है द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस एंड टू मिडिल टर्म। इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टेन ये कहता है कि ए इज इक्वल टू ये अपने को दिया हुआ है एक सेट, बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड बाय दिस, इस टाइप से डिफाइंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एस इज वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ऑन टू। ये जो है इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन का डी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर जो है वो है डी। नेक्स्ट इलेवंथ क्वेश्चन, ये कहता है कि आर ए पी आर इज इक्वल टू दिस विच ऑफ डिस्टिंग पॉजिटिव इंटीजर एम एंड शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अपने को पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एम एन इक्वल टू, टी एम एन की वैल्यू पूछी थी इक्वेशन। इसका जो आंसर है वो है आपका सी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये कहता है कि सपोज दैट एफ एक्स इज सच ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इट बी पॉजिटिव ऑफ रियल एक्स, ठीक है।
इफ़ जी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू ये है अपने पास देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये कहता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब जी एक्स होगा जो ग्रेटर लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका है बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर। ये कहता है ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसफोर्स है ये होगा, ठीक है, ए बी का ट्रांसफोर्स ये होगा, ठीक है, ए बी सी का ट्रांसफोर्स क्या होगा ये, विच ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स डी विच होगा करंट। तो देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ट्रांसपोज लगाएं ए प्लस बी के सम के ऊपर, तो ये कहता है कि ए प्लस बी का जो सम करते हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज होता है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर पीछे वाला आगे आ जाता है, तो इसका जो अगर ऐसा होता फिर ये सही होता। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सी भी जो है वो करेक्ट है, तो वन भी चाहिए थ्री भी सी है, तो इसका आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि द सम ऑफ बाइनरी ऑपरेशन दिस, ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका जो आंसर है क्वेश्चन का आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्टीन क्वेश्चन में कहता है मैट्रिक्स एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स एल विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए इफ के इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ देन वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ने यूज कर ली के इंटू एल होगी। ओके फ्रेंड्स,